अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये मीटर लेके आया हूँ, इसका साइज़ है 22 mm, और ये साइज़ एक लाइट का साइज़ है। जितनी वो डीपी में लाइट नहीं लगती उसका साइज़ है। और ये देखें इसके फंक्शन कितने हैं, ये आपके घर के वोल्ट भी बताएगा, अम्पेयर भी बताएगा, मतलब कि कितना करंट है, कितना लोड है, और फ्रिक्वेंसी SZ में बताएगा कि इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है। और ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इसका साइज़ बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आज आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। बहुत से भाई ना इसके सीटी के कनेक्शन गलत कर देते हैं, वो दोनों तारे ना इस सीटी में से गुजार देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके हमने कनेक्शन कैसे करने। यहाँ पे हमने इसको पावर देनी है 220 वोल्ट या 110 वोल्ट, जो आपके पास पावर हो। और ये सीटी है, इसमें हमने लोड की वायर गुजारनी है। तो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर कनेक्शन कैसे करने हैं इसके। ये मेरे पास एक वायर है, इसका स्विच है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये इसके अब कनेक्शन हो चुके हैं दोनों पावर के, जो हमने इसको पावर देनी थी इसको ऑन करने के लिए। अब ये स्विच मैं अब बोर्ड में लगाता हूँ, ये देखें, अब ये ऑन हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखें, ये ऑन हो गया। ये ऊपर 220-23 वोल्ट शो हो रहे हैं, ये नीचे एम्पेयर 0-0 हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये मेरी सीटी खाली पड़ी हुई है, मैंने इसको कनेक्शन नहीं किया और लोड नहीं डाला इसके ऊपर। और नीचे फ्रिक्वेंसी HZ में 50 आ रही है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको हमने एम्पेयर करंट कैसे चेक करना घर का, कि लोड कितना है, वो हम सीटी के कनेक्शन करते हैं। ये हमने सबसे पहले इसको, ये मेरे पास एक बल्ब है, ये देख सकते हैं आप, ये दो वायर्स होती हैं, हमने एक वायर इसमें से गुजारनी है सीटी में से, और दूसरी को वैसे ही छोड़ देना है। और इसको हमने अब स्विच में लगा देना, मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं इसके अब कनेक्शन करने लगाऊँ, ये एक और ये दूसरी वायर, ये मेरी 220 वोल्ट आ रहे हैं, ये मेरा, मेरी ऊपर से तार हिल रही है ज़रा, देखिए, अब 0.8 एम्पेयर शो हो रहे हैं, 220 वोल्ट एंड 50 HZ फ्रिक्वेंसी, ये देख सकते हैं आप। और ये मैंने आपको बता दिया कि हमने सीटी के कनेक्शन कैसे किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो।